डियरेस्ट पेरेंट, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का वंस अगेन इन एनालिसिस एंड सॉल्यूशन वीडियो ऑफ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। हालांकि इसको कम्प्लीटली फुल लेंथ नहीं कहेंगे, ये टेस्ट सीरीज है आपकी जीपीएससी आरटीओ एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे गुजराती हमने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि गुजराती में अपना हाथ तंग है, तो फिर आपको कैसे बताता। ये हमारी सेकेंड टेस्ट सीरीज है। सेकेंड मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले जो एमबीआई का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे भी एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हुई थी, हालांकि उसका सोल्यूशन मैं नहीं बना पाया था, बट इसका सोल्यूशन हम करेंगे। सोल्यूशन यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन का नहीं करने वाला हूँ। एक क्राइटेरिया मैंने बनाया है, वो क्राइटेरिया है कि जिस क्वेश्चन को 50% लोगों ने सही किया है उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। जितने क्वेश्चंस को 50% से कम लोगों ने सही किया है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा लोग डाउट में हैं उस क्वेश्चन में या गलती किए हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन में गलती मुझसे भी हुई थी, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन गलत सेलेक्ट हो गए थे, आई डोंट नो क्यों। मुझे लगता है कि जब मैं क्वेश्चन आपकी टेस्ट सीरीज बना रहा था उस समय काफ़ी हैंग हो गया था मैं। कुछ अराउंड एक सीटिंग में मैंने 8 to 9 hours लिए थे, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन क्या, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने इसी सीटिंग में बनाया था संडे को, और इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए थे जिसमें 2 to 3 hours, तो टोटल मुझे लगा था कि 11 to 12 hours मैंने लिए थे ये पूरा टेस्ट सीरीज बनाने में, ताकि चीज़ों को आप ढंग से प्रैक्टिस कर पाओ। आपको मैं भी लग सकता है कि इतना टाइम कैसे लग गया, बट जब आप कभी भी एक क्वेश्चन भी नया फ्रेम करोगे ना, तो आपको 10 to 15 minutes लग जाता है एक नए क्वेश्चन को फ्रेम करने में, क्योंकि आप क्वेश्चन लिखते हो, उसकी लैंग्वेज सोचना होता है, ऑप्शन आपको चूज करना होता है कि ऐसे ऑप्शंस रहें जो थोड़े कंफ्यूजिंग रहें, कि जो स्टूडेंट्स पढ़े हैं वही उसको अटेंड कर पाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, और लेवल भी देखना होता है कि लेवल भी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो, तो एक क्वेश्चन बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कुछ क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि हर बार हर टेस्ट सीरीज में नए लगे आपको, आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन नए आए थे, इससे पहले हमने इसको नहीं देखा था, तो उस चक्कर में टाइम लग जाता है। बट नेवरदलेस अगर आपको ये टेस्ट सीरीज बेनिफिट पहुँचाती है तो वो सारा टाइम जो है वर्थ है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं टॉपर्स को। टॉपर्स ने भाई कुछ ने तो खतरनाक ही काम कर दिया है। अब ये रैप्सन भाई साहब, मतलब मुझे समझ भी नहीं आता है कि आपने टेस्ट सीरीज को सबमिट कर दी टोटल 42 मिनट में कुछ टाइम आपने अपना डाटा फिल किया होगा, इसके बाद आपने सारे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए, इसके बाद आपके मार्क्स भी आए 186। भाई साहब कैसे कर रहे हो पता नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आप 3-4 लोग मिल के नहीं कर रहे होगे कि इसका ये आएगा इसका ये आएगा। उम्मीद है कि आप अकेले कर रहे होगे। अगर अकेले आप कर रहे हो तो जेन्युइनली बहुत, मतलब बहुत क्या, आपका सिलेक्शन तो मेरे हिसाब से तय होना चाहिए। बाकी इसमें एक नाम और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो है केऊर का भाई। इतना कंसिस्टेंट आदमी, जो कि मतलब मुझे लगता है कि अब तक जितनी सारी टेस्ट सीरीज हुई हैं कोई एक भी ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं है जिसमें आपका टेस्ट विद इन टाइम सबमिट नहीं हुआ है। अटेम्प्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने सारे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए हैं, बट विद इन द टाइम, कभी बिना एक्सक्यूज के जो टाइम दिया गया टेस्ट सीरीज के लिए, उस टाइम में टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना और अच्छा परफॉर्म करना, भाई इतनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी बहुत कम लोगों के पास होती है। और जिनके पास कंसिस्टेंसी होती है, पेशेंस होता है, हार्डवर्क होता है, उसे सक्सीड होने से कोई रोक नहीं सकता। ये तीनों क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो बिलीव मी, लाइफ में वो सारी चीज़ें आप अचीव कर लोगे जो आप अचीव करना चाहते हो। यहाँ पे कुछ आपके फीमेल टॉपर हैं, फीमेल टॉपर उन लोगों का नाम यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो 100 marks से ऊपर हैं। फीमेल टॉपर में अगर किसी को भी, अगर किसी भी कैंडिडेट को, मेल या फीमेल, किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है कि वो अपना नाम लिस्ट में नहीं देखना चाहता, उसको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना टेस्ट सीरीज की वीडियो आने से पहले, ताकि मैं आपका नाम एक्सक्लूड कर दूं। समटाइम किसी किसी का मैसेज आता है, इसलिए मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं। अगर किसी को ऐसा चाहिए कि उसका नाम नहीं डालना है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। बाकी जेंडर की बात करें तो इस बार कुछ 15 female कैंडिडेट, इसमें से मुझे लगता है 1-2 male हैं, उन्होंने गलती से शायद सेलेक्ट कर दिया था फीमेल, बाकी तो फीमेल ही हैं, मेल तो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेंगे। कैटेगरी की हम बात करें तो यहाँ पे आप कैटेगरी भी देख सकते हो, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो ये बेसिकली आपका कंपटीशन लेवल बताता है। हालांकि सारे लोग टेस्ट नहीं दे रहे, कितने लोगों ने टेस्ट दिया है 609, और मुझे लगता है कि जो सीरियस होते हैं और जिनको पता होता है वो जनरली देते ही देते हैं। कुछ सीरियस कैंडिडेट शायद नहीं देते होंगे इस डर के मारे कि क्या मालूम उनका टेस्ट खराब हो जाएगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, मे बी कुछ लोग नहीं देते होंगे इस रीजन से, या किसी का और कुछ रीजन होता होगा, आई डोंट नो, बट टेस्ट सीरीज आपको देना चाहिए। किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैक्सिमम लोग जीपीएससी आरटीओ की कर रहे हैं, भैया क्यों,
मतलब टेक्निकल पढ़ ही रहे हो तो केवल जीपीएससी आरटीओ की क्यों कर रहे हो, या केवल जीपीएससी आरटीओ की नहीं कर रहे तो क्यों झूठ क्यों बोल रहे हैं? इतने सारे लोग केवल और केवल जीपीएससी आरटीओ, बाकी एग्जाम भी तो हो रहे हैं टेक्निकल के, वो भी आपको देना चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे हो तो सीरियसली उसके बारे में सोचिए। अगर सेम चीज आप पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं देना चाहिए आपको बाकी टेक्निकल एग्जाम। एवरेज मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे मार्क्स कम ही करते हैं। इस बार गूगल गुरु ने अपने हिसाब से सब शॉर्टलिस्ट कर दिया है, मतलब रेंज बना दिया, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स है ना इसलिए इन्होंने रेंज बना दिया है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो डाल दिया है, जैसे मैं पहले से भी डालता आया हूँ। तो यहाँ पे ये जो 21 लोग हैं भाई साहब, 180 से 200 के बीच वाले, मतलब आप लोगों को मेरे तरफ से सादर प्रणाम है, ठीक है। और बाकी जो लोग इधर आ गए भाई, ये कौन लोग हैं यार, कहाँ से आते हैं भैया, क्यों आते हैं? 0 से 20 मार्क्स भी है, मतलब किस सेंस में? अगर आपने सीधा तुक्का लगाओगे तो भी प्रोबेबिलिटी कहती है कि इससे ज्यादा मार्क्स आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो हुआ नहीं है यहाँ पे। डेफिनेटली एक चीज और याद आ गई कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव मार्क कंसीडर नहीं किया है। आपने जो गलती किए होंगे वो आप अपने हिसाब से माइनस कर लेना और देख लेना कि आपके इफेक्टिव मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, हर क्वेश्चन को जाके वहाँ पे उसका आंसर लिखना पड़ता है एक्सेल सीट में और गूगल एड ऑन करना पड़ता है, तो बहुत सारे झंझट होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने किया नहीं है। और अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं भाई तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, औरों के साथ शेयर करते रहिए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है ना। और वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, आप लोग पता नहीं क्या रीजन है, क्या दुश्मनी है आप लोगों की। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी पीडीएफ आपको मिलती है, जो भी टेस्ट सीरीज होगी वो आपकी यहीं पर मिलेगी, जो भी अपडेट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए है, आप इसमें अपने जो भी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मुझे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो बस हर जगह प्यार से मिलते रहिए। चलिए अब सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेटिंग टुडे फॉर बेटर टुमारो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको कम लोगों ने सही किया है, मतलब 33% लोगों ने। अब आपसे गलती क्यों हुई है? शायद गलती आपसे इसलिए हुई है कि इस क्वेश्चन में एक वर्ड बस चेंज हुआ है, दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। अगर यहां पे रहता सेम कंप्रेशन रेशियो, सेम कंप्रेशन रेशियो, तो ये वाला जो होता आपका ऑटो साइकिल, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अगर सेम कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो पहले एफिशिएंसी होगी ऑटो की, फिर एफिशिएंसी होगी ड्यूएल की, फिर एफिशिएंसी होगी डीजल की, ठीक है। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी आपके डीजल की, फिर होगी ड्यूएल, ड्यूएल तो वैसे ही रहेगा अपने जगह पे, और सबसे कम होगी ऑटो की, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया गया मैक्सिमम, मैक्सिमम ऑनलाइन दुनिया में यहाँ पे सेम दिया हुआ है, इसीलिए इसको मैंने मैक्सिमम कर दिया। और मुझे लगता है कि शायद आप ढंग से पढ़े होते तो सही करते, बट या तो जल्दीबाजी में आपने गलती किया होगा, या तो आपको लगा होगा कि ये गलती से चेंज हो गया है, यहाँ पे सेम ही वर्ड आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑल हीट इंजन यूटिलाइज, इस क्वेश्चन को मैंने सेपरेटली भी डिस्कस किया हुआ है आपके क्वेश्चन करेक्शन सीरीज में। देखिए पहले जो हाई हीट यूटिलिटी होती है या लो हीट यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, आप थोड़ा सा समझ लो, हालांकि डिटेल मैंने डिस्कस तो किया हुआ है। क्या होता है, जब कभी भी हम बर्न करते हैं फ्यूल को ना, तो बाहर जो निकलता है वहाँ पे कुछ आप वाटर कंटेंट्स भी होते हैं। अगर आप उन वाटर कंटेंट्स को कंडेंसेट कर देते हो, मतलब डायरेक्टली उनको वेपर फॉर्म में बाहर नहीं निकालते, उनको कंडेंसेट करके निकालते हो, मतलब उनके कंडेंसेशन के बाद वहाँ पे जो लेटेंट हीट निकलेगी, अगर उसको आप रीयूटिलाइज कर लेते हो, तो उसे हम कहेंगे आप हाई हीट वैल्यू को यूटिलाइज कर लो, मतलब आप जितना मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी हो सकती है फ्यूल की उसको यूटिलाइज कर रहे हो। बट जनरली जो आपके पास इंजन है, आपके पास ऐसा कोई डिवाइस तो लगा नहीं होता एग्जॉस्ट में कि एग्जॉस्ट गैस आई वहाँ पे कंडेंसर लगा दिया और कंडेंस करके बाहर निकाल ले, क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। और कंडेंसर इतनी बड़ी चीज भाई लगाओगे कहाँ, छोटा भी कंडेंसर आ जाएगा बट रिसर्कुलेट कैसे करोगे? ये काम हम करते हैं पावर प्लांट में। पावर प्लांट में जो एग्जॉस्ट होता है ना उसको हम कंडेंसेट करके यूज़ करते हैं उस हीट को, तो वहाँ पे होता है हाई हीट वैल्यू और जो इंजन होते हैं ये होते हैं लो हीट वैल्यू, ठीक है। अब आप कहोगे कि वो भी तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है, मतलब ये आईसी इंजन, तो जनरली हम यहाँ पे आईसी इंजन की बात कर रहे हैं। अगर पावर प्लांट के सेंस में पूछेगा तो डायरेक्टली वो पावर प्लांट मेंशन किया रहेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द मशीन कंपोनेंट इज डिजाइन अंडर द बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस में कौन डिजाइन रहेगा? यहाँ पे आप लोगों ने शार्प किया, देखो डिजाइन जो होता है ना, डिजाइन होता है मैक्सिमम स्ट्रेस पे ना, किसके वजह से मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही है, कहीं पे बेंडिंग स्ट्रेस भी है, टॉर्सन भी है, तो अब दोनों के लिए डिजाइन नहीं होगी, वो जो कंपोनेंट है हमारा फेल किसके वजह से होगा, जो मैक्सिमम होगा।
तो शाफ्ट में टॉर्शन होता है भाई, शेयर होता है नहीं, तो शाफ्ट क्यों बेंडिंग के लिए डिजाइन किया जाएगा? यहां पे बेंडिंग होता है इसलिए इसकी डिजाइन बेंडिंग के अगेंस्ट में होनी चाहिए, इसका किसके अगेंस्ट में होनी चाहिए, शेयर टॉर्शन के अगेंस्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मेरा भी थोड़ा सा मिस्टेक था, यहां पे डाटा आपको चेंज मिला बट यहां पे 100 ही लिखा था, किसी ने मुझे बताया तो मैंने इसको चेंज किया, तो मेरी भी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहां पे आपको फिगर दिख रहा होगा, अब यहां पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट k/m, ठीक है, k/m। सिंपली अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, यहां पे k इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि दो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग आपस में पैरेलल कनेक्शन में, अगर आपको समझ में नहीं आता तो इसको क्या करो, खींच दो ऊपर साइड, और मास देखो यहां से इसको फोल्ड करके खींच दो ऊपर, यहां से एक स्प्रिंग, अब ये ऐसे लग जाएगी, ऐसे लग जाएगी, तो क्या है, पैरेलल में। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसका एक्सटेंशन देख लो, यहां पे जितना एक्सटेंशन होगा वही उतना ही यहां पे कंप्रेशन होगा, या फिर यहां पे जितना कंप्रेशन होगा उतना ही यहां पे एक्सटेंशन होगा, मतलब दोनों में सेम होगा, तो दोनों कनेक्शन कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। पैरेलल के केस में के इक्विवेलेंट कितना होता है, सीरीज सॉरी पैरेलल केस में दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं, k1+k2 कितना हो जाएगा 20। ये कैसे आता है पैरेलल सीरीज का, ऑलरेडी मैंने सीरीज वाले लेक्चर में भी डिस्कस किए हैं, सेपरेट क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, अगर आप रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, और ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप देख लेना, टाइम बचाने के लिए मैं नहीं बता रहा आपको, ठीक है, सिंपल है, कर लेना आप, बस इक्वेट करना है आपको। तो यहां पे आपने ये फाइंड आउट कर लिया, अब आपको क्या, आपको इक्विवेलेंट मिल गया, बस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये 1/2 हो गया अंडर रूट, दिस इज 20 200 एंड दैट इज गिवन टू यू 20, ठीक है, 20 किलो न्यूटन है, तो ध्यान रखना आप, तो 20 ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई कितना है 200, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा 100 इनसाइड, बाहर आ जाएगा रूट से, तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5/5 पाई, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों ने सही किया है, कुछ लोगों ने गलत किया है, मुझे लगता है कि ये तो उन लोगों ने किया है जिन्होंने इसको याद कर रखा था, जिनको लगा था कि कहीं देखा हुआ है 10/π था इसलिए उन्होंने कर दिया। और भाई साहब पता नहीं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को क्यों गलत किया, मतलब इंजीनियर होके अगर FT का क्वेश्चन गलत कर दोगे यार तो फिर काहे का इंजीनियर। हाँ अब इंजीनियरिंग का दिमाग लगा रहोगे, आप कहोगे कि अगर FT बोल रहे हो आप तो हमारे सिलेबस में तो FT है नहीं, अब हम करेंगे क्लेम और इस क्वेश्चन को कराएंगे कैंसिल। तो मैं कहूँगा कि लो ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, FT का है ही नहीं, ये तो मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा है, तो खैर ठीक है, बट गलती आपसे नहीं होनी चाहिए थी चाहे क्वेश्चन कहीं का भी हो। क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, एस्केलेटर, इन्होंने कह रहे हैं भाई 90 मिनट अगर आप इस पे वॉक करें, सॉरी 90 सेकेंड आपको लगता है, हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, L है, ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, मान लो आप पर्सन मैन व्हाट एवर दैट, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, इस ये पूरी लेंथ डिवाइडेड बाई द टाइम, वेरी सिंपल, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। अब अगर आप इस पे खड़े हो और ये मूव कर रहे तो आपको कितना टाइम लग रहा है भाई, 60, तो हम इसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, ठीक है, कितना है, दैट इज एस इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 60, दोनों वेलोसिटी मिल गई। अब आप कह रहे हैं कि भाई साहब बताओ अगर आप भी चल रहे हो और ये भी चल रहे, दोनों चल रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा आपको, वेरी सिंपल, टाइम फाइंड आउट करना है, क्या हो जाएगा, लेंथ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, और ये दोनों वेलोसिटी हम यहां पे ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों वेलोसिटी कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपको ये डिस्टेंस कवर करने में, वेरी सिंपल, तो एल डिवाइडेड बाई एल बाई 90 प्लस एल बाई 60, ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अरे सॉरी 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा 5, 180 बाई 5 कितना आ जाएगा, ये 36। सिंपल सा क्वेश्चन था, करना चाहिए था और सही करना चाहिए था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, यहां पे भी काफी सारे लोगों ने गलत कर दिया है, आपको बस ये लगा कि वन डायमेंशनल है मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव किया तो हो गया वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, अगर हम टेक्निकली कहें तो ऐसा फ्लो जिसमें दो वेरिएबल हैं, एक तो है टाइम और दूसरा है स्पेस, स्पेस में केवल एक कोऑर्डिनेट है, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, दैट इज नॉट मैटर, बट केवल एक टाइम पे एक ही कोऑर्डिनेट हो, मतलब जो भी वेरिएशन हो रहा है, जितने भी इसके पैरामीटर हो वो इन्हीं के फंक्शन हो, मतलब वेलोसिटी फंक्शन हो टी के और एक्स के, अगर एक्स डायरेक्शन में हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी, डिस्प्लेसमेंट भी, व्हाटएवर दैट, सारे जो वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं,
वो इसी के रिस्पेक्ट में वेरी करें, उसे हम कहेंगे वन डायमेंशनल। अब देखो ट्रांसवर्स मोशन हो गया मतलब डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ठीक है, तो यहां पे तो दो डायमेंशन आ जाएंगी ना, एक तो जिधर जा रहा था फिर उसके परपेंडिकुलर मूव करने लगा, जैसे मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, फिर आप इधर भी जा रहे हो स्ट्रेट लाइन है, फिर आप इधर भी जा रहे हो स्ट्रेट लाइन है, फिर नीचे भी आ रहे हो, फिर ऐसे भी जा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे केवल आपका मोशन वन डायरेक्शन में नहीं हो रहा, मूव तो आप कर रहे हो स्ट्रेट लाइन में बट इज दैट इज नॉट अ वन डायमेंशन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसवर्स जो कंपोनेंट होगा इसका वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, जितने भी पैरामीटर हैं उसके ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। समझ में आ गया आपको, चाहे वो कोई भी पैरामीटर हो जिसका मैंने अभी नाम लिया डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी व्हाट एवर दैट, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन इन डेरिवेशन ऑफ टॉर्शनल इक्वेशन। ये क्वेश्चन सबको सही करना चाहिए था, ये हम लेते हैं बिल्कुल आइसेंट्रोपिक मटेरियल हो, अगर हर पॉइंट पे उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी तो कौन काउंट करेगा, होती होगी बट हम नहीं मानते, इंजीनियर है इसलिए। दूसरा है प्लेन वाला, तो सबको पता होगा कि हम इसको लेते ही हैं। सर्कुलर शाफ्ट रिमेन सर्कुलर ट्विस्ट हम लेते ही हैं कि उसकी भाई सर्कुलरिटी मेंटेन रहे, ठीक है। एंगल ट्विस्ट इज प्रोपोर्शनल, भाई आप टी बाई जे वाला फॉर्मूला भी लगा लेते, टी बाई जे टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, तो भी आपको पता चल जाता है यार कि ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन टू इज करेक्ट। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, और यहां पे कुछ एजम्पशंस जो हैं मैंने बात की वो बता भी दिए हैं आपको, देख लेना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन सरफेस विद द वर्टिकल प्लेन इज द लाइन एंड कॉल्ड। भैया देखो ये क्या होता है, ट्रेस क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई प्लेन है, यहां पे प्लेन आपको दिख रहा होगा, आप कोई पॉइंट आपने ले लिया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया वर्टिकल प्लेन पे, तो ये जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वर्टिकल पे, इसे हम कहेंगे वर्टिकल ट्रेस। होरिजेंटल पे प्रोजेक्ट कर दिया तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है इसे हम कहेंगे होरिजेंटल ट्रेस, ठीक है। मतलब उसका ट्रेस कहां पे मिल रहा है, ट्रेस मतलब शेष अवशेष, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, किसी चीज को ट्रेस करना नहीं, ठीक है, तो ये होता है बेसिकली ट्रेस। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा वर्टिकल ट्रेस। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया हुआ था, पूरी प्लेलिस्ट एक करवाया हुआ है आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग का, भाई देख लो यार, पढ़ लो, खुद से पढ़ लो, नहीं देखना है तो। द सोलर सेल एफिशिएंसी इज अबाउट, आप बहुत खुश हुए होंगे कि यार किसी की एफिशिएंसी इतना कम हो सकती है क्या, 15% किसकी एफिशिएंसी, अगर 15% एफिशिएंसी है तो हम लोग इतना खुशी खुशी यूज क्यों करते हैं सोलर पैनल, भैया बहुत कम एफिशिएंसी होती है, ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है बट हम इसलिए नहीं मानते हैं प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट एनर्जी है उसके लिए हमारे पॉकेट से कुछ नहीं लगता है, इसलिए चाहे इसकी एफिशिएंसी 15 हो चाहे 20 हो चाहे 30 हो चाहे 10 हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगती है और उसके बाद इनपुट आउटपुट वाली जो एफिशिएंसी है उससे हमको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये एफिशिएंसी बता रहे हैं कि यहाँ पे कितना एनर्जी आई और कितना कन्वर्ट हुई, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, सबको ये कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है, हमारे पास उतने अच्छे मटेरियल नहीं आए, मटेरियल का इट सेल्फ हीटिंग होने लगता है, मतलब वो कुछ को कन्वर्ट नहीं करता, अपना टेम्परेचर बढ़ाने लगता है, इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिसके वजह से इसकी एफिशिएंसी कम होती है, तो ये एक चैलेंज है। अब हम इसको डिज़ाइन कर लिए हैं अराउंड टू अराउंड, जो रिसर्च है, रिसर्च तो 30% तक पहुँच चुका है कि हाँ अब हमने बना लिया बट अभी वो अप्लाई नहीं हो पाए हैं, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए हैं, अभी रिसर्च पेपर पे ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द स्टीयरिंग एक्सिस एंड द वर्टिकल इन द प्लेन ऑफ द व्हील। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने जो गलती किया हुआ है ना, मतलब आपके फंडा क्लियर नहीं है भाई, समझ लो यहां पे थोड़ा सा मैंने अलग से बता दिया। देखो ये आपकी गाड़ी है, ये आपका मतलब एक्सिस है जिसकी वो बात कर रहे हैं, अब इसको आप किस तरीके से घुमा सकते हो, देखो इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, मतलब समझ लो फ्रंट कर दिया बैक कर दिया, तो ये जो एंगल बनाता है ना ये बनाता है कैस्टर। एक तरीका और होता है इस एक्सिस को करने का, इनसाइड कर दो आउटसाइड कर दो, ठीक है, उस टाइम क्या बनता है आपका कैम्बर बनता है, ध्यान रखना इनसाइड आउटसाइड कर दोगे तो कैम्बर बनेगा, फिर आप कहोगे कि भाई साहब तब ये कहां गया स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लाइनेशन, इसको क्या कहेंगे, ये भी दिखा देता हूं आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे ये देखो अभी आपकी जो व्हील की ये एक्सिस है ना ये वाली, मतलब अभी वाली ये वाली, ठीक है,
और ये दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना, इसे हम कहते हैं जो आपका स्टेयरिंग एक्सिस एंगल है वो, मतलब स्ट्रेट लाइन है पहले से, इसमें कुछ एंगल दिया गया है, ठीक है। अब इसको आप इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पे बताया था कि इसको आप इनसाइड आउटसाइड कर सकते हो, इधर कर सकते हो, इधर कर सकते हो, नहीं तो जब आप इसको इनसाइड आउट, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लो, ऐसे घुमा लो 90 डिग्री पे, तो यही वाला डायग्राम आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये वाला जब आप इसको करते हो तो इसको हम कहते हैं भैया कैम्बर, ठीक है, इधर इधर करते हो तो कैम्बर, ये वाला एंगल दिया हुआ है आपका। और एक आता है इंक्लूड एंगल, इंक्लूड एंगल मतलब इन दोनों को इंक्लूड कर देता है, जैसे नाम है स्टेयरिंग एक्सिस एंगल को और कैम्बर को, ठीक है। अब ये कैम्बर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, जैसे यहां पे पॉजिटिव है, इसको इस साइड ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, बट आपको ध्यान देना है कि एक्सिस एंगल को, स्टेयरिंग एक्सिस एंगल और कैम्बर दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो बन जाएगा इंक्लूड एंगल, ठीक है। यहां पे आपके डाउट के लिए एक डायग्राम मैंने और दे दिया है, ये देख लेना, ठीक है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायग्राम से आपको समझना है, ये समझ लो कि ये वाली जो आपके एक्सिस है ना, इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, ये इस साइड और इस साइड कर सकते हो। 3D में थोड़ा सा डायग्राम नहीं बन पा रहा है, बट उम्मीद करता हूं कि इतना तो आप इमेजिनेशन कर ही लोगे कि इसको 90 डिग्री घुमा के ये वाला फिगर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, वेयर इज द ओवरड्राइव लोकेटेड। तो ये है आपकी ओवरड्राइव, क्यों यूज किया जाता है भाई, मान लीजिए आप कांस्टेंट स्पीड से आपको व्हीकल ड्राइव करना है, और कांस्टेंट स्पीड से है, आपने टॉप में लगा दिया कि अब तो चलो कांस्टेंट स्पीड है, कहीं पे ब्रेकर वेकर नहीं है, टॉप पे लगा देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके इंजन का आरपीएम आपके बाकी व्हीकल के जो आरपीएम सेम हो जाएंगे, मतलब सेम हो जाएंगे, और इससे लोड बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, ओवर ड्राइव लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे व्हीकल के आरपीएम को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये सारे मेंटेनेंस, स्टेबिलिटी, ये सब ध्यान में रख के हम ओवरड्राइव का यूज करते हैं। तो ओवरड्राइव आपको दिख रहा होगा, ये ट्रांसमिशन सिस्टम है आपका, यहाँ पे आपका ये ओवरड्राइव लगा हुआ है, ये आपका रेयर एक्सेल है, और ये आपका प्रोपेलर शाफ्ट है, ठीक है। तो कहाँ पे लगा होता है, बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड प्रोपेलर शाफ्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एन इन्वेंटर क्लेम दैट हिज इंजन विल डेवलप 3 kW रिसीविंग इतना अमाउंट ऑफ हीट वाइल वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर दिस हिज क्लेम इज। मैक्सिमम लोगों ने कहा है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है, मतलब कुछ तो फॉर्मूला आप लोगों ने लगाया होगा। फंडा आपको पता ही है कैसे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है आपको करनॉट एफिशिएंसी। करनॉट एफिशिएंसी क्या होता है, 1 माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर क्या है भाई, 23, -23 है, तो कितना हो जाएगा ये 250 केल्विन, ये भाई साहब कितना हो जाएंगे 400 केल्विन। तो यहाँ पे आपका 1 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 400 कितना एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेना, 0.37375, मतलब 37.5% इसकी एफिशिएंसी आ गई करनॉट की। अब हमको पता है कि कोई इंजन भाई करनॉट से ज़्यादा एफिशिएंसी तो नहीं दे सकता, मतलब इनका जो क्लेम है वो सही या गलत कैसे पकड़ेंगे हम, ये करनॉट एफिशिएंसी से कंपैरिजन करके। और करनॉट साइकिल यूज़ क्यों होती है, कंपैरिजन के लिए। जनरली ये भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर किसी इंजन की एफिशिएंसी करनॉट के बराबर नहीं हो सकती तो हम करनॉट साइकिल पढ़ते क्यों हैं, तो देख लो अभी इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि कंपेरिजन कर पाएं। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि आउटपुट है उनका 3 kW एफिशिएंसी, जो ये कह रहे हैं क्लेम वाली एफिशिएंसी, मैन वाली एफिशिएंसी लिख देते हैं, नहीं इन्वेंटर वाली लिख देते हैं, ठीक है। ये इन्वेंटर वाली एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 kW कह रहे हैं ये, तो 3 × 10³ डिवाइडेड बाई 1000 जूल, ठीक है, कितना है 10,000 है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या होगा 0.3 इनकी एफिशिएंसी। अब इनकी एफिशिएंसी करनॉट से तो कम ही है ना भाई, करनॉट की है 37%, ये भाई साहब कह रहे हैं कि मेरे इंजन की एफिशिएंसी है 30%, तो ठीक है भैया बना सकता है आदमी यार, क्या प्रॉब्लम है, पॉसिबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, ये भी क्वेश्चन आसान सा था, फंडामेंटल की कमी की वजह से आप लोगों ने गलती किया है। कह रहे हैं कि ये इंसुलेटेड है, जैसे ये इंसुलेटेड हुआ हीट ट्रांसफर इज जीरो, मगर प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है आप लोगों को, वर्क ट्रांसफर वाले में। आपने कहा हीट वर्क ट्रांसफर सारा जीरो है ना, और कुछ लोगों ने इसको सेलेक्ट किया है, कहा है हीट ट्रांसफर इज पॉजिटिव एंड वर्क ट्रांसफर इज जीरो। भैया इंसुलेटेड है फिर काहे का हीट ट्रांसफर होगा यार, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो इंसुलेटेड है और उसी इंसुलेटर को पूरे सिस्टम मान के हम चल रहे हैं, सिस्टम बदलता है मतलब वर्क हीट ट्रांसफर का नेचर हो गया चेंज, ध्यान देना आपको सिस्टम। अब कह रहे हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक वायर आपने लगाया हुआ है भाई, तो इलेक्ट्रिक वर्क ट्रांसफर होगा ना, इलेक्ट्रिक वर्क के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा।
अब इलेक्ट्रिक वर्क ट्रांसफर हो रहा है, सप्लाई टू द सिस्टम हो रहा है, तो जब वर्क हम इन हमारे सिस्टम को सप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं निगेटिव। अगर हमारा सिस्टम कुछ वर्क दे रहा है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव। तो समझ में आ गया, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइनर द लीनियर श्रिंकेज ऑफ स्टील इज अप्रोक्सीमेटली, स्टील का श्रिंकेज कितना होता है 2021 के आसपास होता है mm पर मीटर। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा लोगों ने गलत किया है, क्यों किया है आई डोंट नो, ठीक है देख लेना स्टैंडर्ड बुक में, किसी स्टैंडर्ड बुक में शायद मैंने यहाँ पे दिया हुआ भी है, तो ये देख लो आप, ये पूरा रेंज है स्टील वाला, कई सारे टाइप्स के होते हैं बट इन जनरल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो प्लेन कार्बन स्टील देख लो आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका मिनिमम क्लियरेंस, अब ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, मिनिमम के जगह पे मैंने कुछ लिखा नहीं था, तो ये वाले भी सही हैं, ये वाले भी सही हैं, मैक्सिमम होल साइज, मिनिमम शाफ्ट साइज, तो मतलब मैक्सिमम क्लियरेंस मिलेगा, और ये है मिनिमम होल साइज, मैक्सिमम शाफ्ट साइज, मिनिमम क्लियरेंस मिलेगा, ठीक है। तो मैंने ये दे दिया, बट ये आप मान के चल सकते हो कि ये दोनों सही हैं, जिन लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था, इसको अटेम्प्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियरली मेंशन नहीं किया था मैंने, अगेन वही सारे रीजन है, थोड़ा सा माइंड हैंग हो जाता है तो कुछ कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, बट अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, इफेक्टिव कूलिंग ऑफ आईसी इंजन डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे नॉट डिपेंड लिखना चाहिए था, बट नॉट मैंने नहीं लिखा है तो वो गलती हो गई, और यहाँ पे ऑप्शन भी शायद कुछ गलत ही सेलेक्ट हो गया था, तो नॉट डिपेंड के हिसाब से ये ऑप्शन होगा, बाकी ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली आपके एग्जाम में रहता तो कैंसिल भी होता, और चूंकि ये कन्फ्यूजिंग हो गया था इसलिए आप लोगों ने गलत भी किया होगा, तो यहाँ पे नॉट डिपेंड लिख देते हैं। चलिए जो PDF मैं भेजूंगा ध्यान से वहाँ पे नॉट लिख दूंगा, तो ये नॉट डिपेंड है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सराउंडिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा सराउंडिंग टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा ही, कि आप किसी व्हीकल को चला रहे हो राजस्थान में जहाँ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 60 डिग्री, वहाँ की एयर जो आप यूज़ करोगे कूलिंग के लिए उसका भी 60, आप कहोगे कि मैं लिक्विड कूलिंग यूज़ करूँगा तो लिक्विड कूल करने के लिए अगेन आप एयर का यूज़ करोगे, वहीं आप कश्मीर में चला रहे हो तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो जो हमारा कूलेंट है और जो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर है दोनों के बीच का टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ जाएगा, इसके वजह से टेम्परेचर ऑफ इंजन बिल्कुल, ये है ओरिएंटेशन, इस यहाँ पे मैं कहना चाह रहा था ओरिएंटेशन ऑफ द इंजन, ठीक है, इंजन का जो ओरिएंटेशन उस पर भी डिपेंड करता है बिल्कुल कि किस तरीके से ओरिएंट किया गया है उसको। चलिए इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, अभी के लिए मान लो मेरी बात, ये ऑप्शन है आपका और यहाँ पर मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मटेरियल फॉर फ्यूल लाइन रनिंग ऑन एथेनॉल। एथेनॉल बहुत करेसी होता है, कुछ टाइम पहले मैंने कराया था, काफ़ी कम लोगों ने इसको सही किया है, तो प्लास्टिक का जनरली हम यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे कि स्टील के पास भी करोसिव रेजिस्टेंस होता है, देखिए हमें डिपेंड करता है कि हमारा जो मटेरियल है ना कहाँ पे हमको यूज़ करना है, लोड बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, कॉस्ट बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ रखनी है। तो जो फ्यूल लाइन होती है उसकी स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, वेट जितना कम कर सकते हो कम कर सकते हो, केमिकल रिएक्शन ना हो मटेरियल का हमारा जो फ्यूल उसमें फ्लो कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल हैं उनका हम जनरली यूज़ वहाँ पे करते हैं, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फ्यूल टैंक मटेरियल आप वही फिर से अगेन एथेनॉल वाली फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की बात कर रहे हैं आप, जनरली आप लोगों ने सुना ही होगा इसका नाम, जिसमें हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ा रहे हैं, मतलब फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल का मतलब ये है कि हमारी व्हीकल में फ्लेक्सिबिलिटी हो, कि उसको हम चाहें कि एथेनॉल पे चलाना है तो एथेनॉल पे चलाएं, गैसोलीन पे चलाना है तो गैसोलीन पे चलाएं, ठीक है, इस टाइप से किट अलग से नहीं लगाना है, सेम व्हीकल है, सब कुछ सेम है, हम बस वहाँ पर रेशियो चेंज करके कर लें, तो आपको कन्फ्यूज नहीं करना है। कुछ टाइम पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पे अगेन स्टेनलेस स्टील का हम यूज़ करते हैं, इससे पहले जो आपका गैसोलीन या पेट्रोल होता है उसमें ट्रेन प्लेट स्टील का यूज़ करते हैं, बट अभी हम स्टेनलेस स्टील का यूज़ कर रहे हैं, क्यों, अगेन वही सारे रीजन है, मतलब जो मटेरियल की सेंसिटिविटी है केमिकल रिएक्शन की, मतलब केमिकल रिएक्शन इन द करोशन की। नेक्स्ट जो है आपका जनरली एफिशियंसी ऑफ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, एथेनॉल बढ़ाओगे तो एफिशियंसी घटती है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी कम होता है, ऑक्सीजन कंजप्शन इसका ज़्यादा होता है तो वो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, और एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है मतलब एनर्जी डेंसिटी कम होती है तो ज़्यादा फ्यूल आपको सप्लाई करना पड़ता है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे क्या होगी आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी। इसीलिए ये सारे चैलेंजेज हैं, हम अभी स्विच नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से और बहुत ज़्यादा ब्लेंड भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस व्हीकल में हम इसका यूज़ कर रहे हैं वो व्हीकल गैसोलीन है और हमने उसको पेट्रोल के हिसाब से ऑप्टिमाइज किया हुआ है। अब जरूरी तो नहीं कि कोई दूसरा फ्यूल लेके आओ आप और उसके लिए भी वो ऑप्टिमाइजेशन काम करे और उसी इफेक्टिवनेस के साथ काम करे, तो ये सही नहीं है।
अब आपको फ्लेक्स फ्यूल के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, मतलब पूरी डिजाइन फ्लेक्स फ्यूल के लिए आप करोगे तब एफिशिएंसी शायद बढ़ सकती है, बट अगेन इसकी एनर्जी डेंसिटी कम होती है। तो जैसे कि एथेनॉल है, इसकी कम होती है डीजल से, अरे पेट्रोल से, पेट्रोल की कम होती है डीजल से, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फॉर ग्राइंडिंग स्टील द प्रीफर्ड एब्रेसिव इज, कौन सा प्रीफर्ड एब्रेसिव होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जहां पे टेंसाइल मटेरियल होता है ना, वहां पे हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। जहां पे हार्ड सरफेस हो लाइक ब्रिटल मटेरियल, वहां पे हम सिलिकन कार्बाइड का करते हैं। बहुत सारी क्राइटेरिया होती है जब आप एब्रेसिव मटेरियल सेलेक्ट करते हो। सबसे पहली बात कि केमिकल स्टेबिलिटी हो, ऐसा नहीं कि एब्रेसिव मटेरियल आपके पेरेंट मटेरियल से रिएक्ट कर जाए और प्रॉब्लम खड़ी करते, ठीक है। दूसरा ग्रेन साइज हो, ग्रेन साइज आपको कितना रखना है, कोर्स रखना है, स्मॉल रखना है। स्मॉल रखोगे तो सरफेस फिनिश बढ़िया मिलेगी, कोर्स रखोगे तो कम मिलेगी। जनरली क्या होता है, अगर आप ब्रिटल मटेरियल कर रहे हो तो आप स्मॉल साइज रखते हो, टेंसाइल कर रहे हो तो कोर्स रखते हो आप। तीसरी चीज जो होती है कि जो आपका मटेरियल एब्रेसिव मटेरियल उसकी हार्डनेस क्या है। तो जनरली जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उसके लिए हम कम हार्ड यूज करते हैं, जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उसके लिए हम सॉफ्ट एब्रेसिव का यूज करते हैं। तो ये सारे पैरामीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन इज द रेशियो ऑफ। यहाँ पे कुछ लोगों का इसमें डाउट हो गया है कि चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो अब ये सही हो गया, ऑल आउट एबव कर देते हैं। देखिए इनपुट आउटपुट यार बहुत ही खराब लैंग्वेज है ना। इन शॉर्ट, अगर कहीं पे कुछ नहीं दिया गया है, कोई अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है, तब आप इस टाइप के ऑप्शन चूज करना, इनपुट आउटपुट, जहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं है कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, फोर्स है, वर्क है, इनपुट हीट है, वेलोसिटी है, क्या है कुछ पता नहीं, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट वाला फंडा वहीं पे लगाना है जहां पे इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन ना रहे। बिल्कुल ये सही हो सकता है अगर अप्रोप्रिएट ऑप्शन ना रहे तो, बट यहां पे बहुत ही अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिया गया है। वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन ऑन द मशीन, मशीन पे आपने कितना वर्क दिया और मशीन ने कितना वर्क किया, ये रेशियो क्या कहलाता है, मैकेनिकल एडवांटेज। नेक्स्ट जो आपका गुड समेरिटन लॉ प्रपोज्ड बाय, वाह वाह, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है ना, आप लोग यार मतलब एक्ट 10 रूल में बहुत जानते हो भाई, मतलब इतनी बारीक भाषा को आप लोग पकड़ लेते हो, मतलब इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ लिया है, मुझे लगता है शर्मा जाएंगे आरटीओ वाले। चलिए यहाँ पे एक वर्ड है प्रपोज्ड, अगर यहीं पे लिख देता मेड बाय तो कौन बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रपोज किसने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था, वहां पे अपील गई थी, मैंने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था जब हम गुड समेरिटन का अवार्ड डिस्कस कर रहे थे, वहां पे मैंने बताया था कि हमारे देश को कैसे मिला था गुड समेरिटन का लॉ। तो जब कोर्ट में गया था ये मैटर, तो कोर्ट में PIL के थ्रू कहा गया था कि भाई आप ऐसा कोई लॉ बनाओ ताकि लोग पार्टिसिपेट करें लोगों की जान बचाने में। तो ये लॉ बेसिकली कोर्ट ने प्रपोज किया, उसके बाद आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। किसी भी लॉ को बनाने का पावर जो होता है वो केवल और केवल लेजिस्लेटिव के पास होता है, नहीं मतलब हमारे देश की पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, या फिर स्टेट का लॉ स्टेट असेंबली बना सकती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकते, वो केवल कह सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, कोई केस है तो ऑर्डर भी दे सकते हैं कि ऐसा लॉ आप बनाओ, बट अगेन वो रूल के हिसाब से ही ऑर्डर देंगे। अगर कोई रूल कह रहा होगा कि इस टाइप का लॉ बनाना है, तभी अगेन ऑर्डर के बाद भी डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, जो बनाना चाहती है कि नहीं बनाना चाहती है। अगर नहीं बनाना चाहती है तो जिस लॉ के हिसाब से कोर्ट ने ऑर्डर दिया होगा, ये उसी लॉ को अमेंड कर देंगे। बहुत बार आप लोगों ने देखा है सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ द ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम इन द व्हीकल। ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है, ये सारी चीजें नहीं करता यार। स्टीयरिंग को आप लूज कर लोगे तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कि आपने स्टीयरिंग लूज किया है, फ्रीक्वेंट हिल रही है आपकी स्टीयरिंग, नहीं। ट्रैक्शन कंट्रोल जो होता है, ग्रिप, आपके जो टायर और रोड के बीच का जो ग्रिप है ना, ट्रैक्शन है, उसी को कंट्रोल करता है। अगर वहां से प्रॉब्लम हुई, स्लिपिंग हुई, स्कीडिंग हुई, तब ये एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेट ट्रिप, ये तो सबको सही करना चाहिए था भाई, मतलब रोड का काम है तो सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के पास ही होगा यार। ये इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले ही वीडियो बनाया था इस पे भी, बट आप लोगों ने नहीं किया है सही, तो आप लोग चाहे खुद से पढ़ लिया करो, जो नई चीजें आती हैं उससे अपडेट रहो, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एनी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, अगेन बहुत सारे लोगों ने गलत किया, और इस पे तो मुझे आप लोगों ने कम से कम 100-150 पर्सनल मैसेज किया है, सर क्या होता है। मैंने कहा भी भाई वीडियो बनाया, एक महीना हो गया इस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ था, और भी कई सारे
चेंज हुए हैं आपके CMVR में, उस पर मैंने बनाया हुआ है, देख लीजिए आप एक बार, 6 मंथ होता है, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट का भी बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई, वो भी 6 मंथ होता है। चाइल्ड स्टेन सिस्टम, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे मैंने लेस देन की जगह पे अप टू लिखा हुआ था ना, तो अप टू वाली लाइन जो है ना ये एक्यूरेट नहीं है। अगर बच्चा 14 साल का हो गया तो चाइल्ड स्टेन सिस्टम की जरूरत नहीं है, मगर 14 साल से कम है एक भी दिन तो उसको चाइल्ड स्टेन के सिस्टम की जरूरत है, तो अप टू से ज्यादा अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है, लेस देन तो वो मैंने सुधार कर दिया है और ऑप्शन है आपका 14। 50% से ज्यादा लोगों ने इसको सही किया है, बट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट मार्किंग आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन। ऑब्जेक्ट मार्किंग मतलब आपको ऑब्जेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए तो राउंड अबाउट पे यूज होता है। रेलवे क्रॉसिंग पे हैजार्डस नेचर वाली मार्किंग मतलब आगे खतरा है ना, ये बताती है भाई, हैजार्डस होता है उसका नेचर। नहीं पता है सब, भूल गए हो आप लोग, तो मैं आगे दिखा दूंगा, कई सारे लाइन है मतलब वहां पे मैंने दिखाया हुआ है तो आगे बता दूंगा, हालांकि रोड मार्किंग में मैंने पहले भी कराया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरसेक्शनल मार्किंग, डायरेक्शन फ्लो मार्किंग होती है इंटरसेक्शन, अगेन मैं यहाँ पे सारा डाल दिया हूँ, आप देख लेना एक बार इंटरसेक्शनल मार्किंग के बारे में, पार्किंग वाली, ऑब्जेक्शनल मार्किंग, हैजार्डस, लैंग्यूटिडनल, याद कर लेना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, तो मे भी पूछ ले वो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। उम्मीद करता हूँ कि जिस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट था वो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिया गया होगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट था और छूट गया है और आपको लगता नहीं ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे पूछना। ऐसा नहीं कि जिसपे आप थोड़ा सर्च कर सकते हो, थोड़ा सा पढ़ उड़ के आपको समझ में आ गया, वैसे नहीं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही तो आप जरूर मैसेज करना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।